फाइनली कैनन ने अपना M50 Mark II लॉन्च कर दिया है। कैनन M50 एक बहुत ही सक्सेसफुल मिररलेस कैमरा था, इसी वजह से हम सभी कंटेंट क्रिएटर्स की M50 Mark II से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई थी। तो आपको M50 लेना चाहिए या M50 Mark II, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। और मैंने कैनन M50 Mark II का डिटेल रिव्यू एक सेपरेट वीडियो में किया हुआ है, जो आपको आई कार्ड पर मिल जाएगी। हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आपकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए हम इस चैनल पे बहुत सारा फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग रिलेटेड कंटेंट लाने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैनन M50 Mark II में क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं और हमने कैनन M50 Mark II से किन फीचर्स की एक्सपेक्टेशन की थी। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आप फोटोग्राफर, फिल्म मेकर या बिगनर हैं तो आपको कैनन M50 Mark II लेना चाहिए या नहीं। कैनन M50 की बैटरी लाइफ बहुत ही वीक थी, इसी वजह से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कैनन M50 Mark II के अंदर कैनन एक ऐसी बैटरी देगा जिसकी बैटरी लाइफ एटलीस्ट M50 से तो ज़्यादा हो, लेकिन कैनन ने ऐसा नहीं किया। कैनन ने सेम M50 में यूज होने वाली बैटरी ही M50 Mark II के लिए दी है। अब बैटरी की प्रॉब्लम हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम स्पेयर बैटरीज रख लें या फिर हम हमारे कैमरा के अंदर कुछ सेटिंग्स को चेंज करने के बाद उसकी बैटरी लाइफ को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। कैनन से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो M50 Mark II के अंदर 4K को एटलीस्ट 60 फ्रेम पर सेकंड तक ले जाएगा, लेकिन कैनन ने ऐसा नहीं किया। हमें सेम 4K 24 फ्रेम पर सेकंड पे मिल रहा है, लेकिन ये इतनी दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि M50 के जो मेनली यूजर्स हैं वो व्लॉगर्स या फिर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं और इन्हें ज्यादातर 4K का यूज नहीं होता है, इसी वजह से शायद कैनन ने M50 Mark II के अंदर 4K के ऑप्शन में कोई भी चेंज नहीं किया। कैनन M50 और M50 Mark II दोनों के अंदर ही हमें 24 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है, कैनन ने यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया। ऑटोफोकस की बात करें तो कैनन का कहना है कि उन्होंने M50 Mark II के अंदर ऑटोफोकस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जिससे कैनन M50 Mark II से हम बहुत ही दूर खड़े सब्जेक्ट पे भी बहुत ही एक्यूरेटली फोकस कर सकते हैं, और ये फीचर फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग दोनों में ही बहुत ही यूजफुल है। कैनन M50 Mark II में और भी कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं, जैसे कि LCD स्क्रीन पर अब हमें रिकॉर्ड बटन का ऑप्शन मिल जाता है। अब कैनन M50 Mark II से हम वर्टिकल वीडियोस भी बहुत ही आसानी से शूट कर सकते हैं और कैनन M50 Mark II से अब हम बहुत ही आसानी से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ये सभी वो फीचर्स थे जो कि कैनन M50 Mark II में आए हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कैनन M50 Mark II खरीदना चाहिए या नहीं। अब अगर आप एक बिगिनर हैं और आपका बजट 60K तक है तो M50 Mark II आपके लिए बेस्ट कैमरा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि M50 से आपकी नीड पूरी हो पा रही है या नहीं। जैसे कि मैं फोटोग्राफर्स के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो M50 Mark II पे अपडेट करें, उनके लिए M50 ही उनकी सारी फीचर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। लेकिन अगर आप वीडियो कंटेंट बनाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप M50 Mark II को ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपके वीडियो के काम को बहुत ही ईजी कर देंगे। अब अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपको M50 Mark II के बजाय M50 कैमरा लेना चाहिए, क्योंकि M50 और M50 Mark II के बीच का प्राइस डिफरेंस 8000 से भी ज़्यादा है, तो आप 8000 रुपये के अपने लिए एसेंशियल एक्सेसरीज और बैटरीज ले सकते हैं। अब बात करते हैं सीरियस फिल्म मेकर्स की। मेरे मुताबिक आपको M50 और M50 Mark II दोनों ही कैमरा नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको एक फुल फ्रेम कैमरा में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि M50 और M50 Mark II से जो वीडियो बनेगी वो इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होगी कि आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड हो। इसी वजह से आपको एक ऐसा कैमरा लेना चाहिए जिसके अंदर 4K में कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो और वो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी की वीडियो दे सके। लेकिन बात करें सोशल मीडिया पे वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स की, तो उन्हें 4K का इतना ज़्यादा यूज नहीं रहता है और M50 Mark II के अंदर वर्टिकल वीडियो जैसे फीचर्स आने की वजह से उनका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप एक M50 Mark II के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कैमरा आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। तो अगर आप एक सीरियस फिल्म मेकर हैं तो आपको M50 Mark II नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप एक ब्लॉगर या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप एक M50 कैमरा में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो अब बात करते हैं कि अगर आप एक M50 ओनर हैं तो आपको M50 Mark II के ऊपर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से अगर आपका काम सिर्फ फोटोग्राफी का रहता है तो आपको M50 Mark II के ऊपर अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका काम वीडियो क्रिएशन का रहता है तो M50 Mark II के अंदर आए हुए फीचर से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी वजह से आप M50 Mark II के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।